है कि हम सक्सेस पा ले, हर एक इंसान चाहता है हम ग्रोथ करें, बट सक्सेस की कीमत होती है और वो कीमत हमें पे करनी पड़ती है, और अगर हम उस कीमत को पे करने को तैयार नहीं है तो हम अपनी उस सक्सेस को नहीं पा सकते हैं। और ये दो माइंडसेट बहुत जरूरी है जो हमें ग्रोथ करने से रोक रहा है। एक माइंडसेट है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है और दूसरा है जो फिक्स माइंडसेट है। और ज्यादातर जो बिजनेसमैन ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माइंड को एक लिमिट में बांध दिया। आप पढ़ा थी तो आटलू था, आना करता वधारे तो आपड़े नहीं करी सकिए। यह माइंडसेट हमने बना दिया है खुद का। माइंडसेट कैसा, मैं आपको बताता हूं। दो तरह का माइंडसेट है। एक माइंडसेट है जो हमारा फिक्स है। अब फिक्स माइंडसेट में हम क्या सोचते हैं? सबसे पहली चीज, मेरे को सब पता है, मने बदु आवड़े छे, राइट? हम ये सोच कर ले लेते। हम चाहे तो एक छोटे से बच्चे से सीख सकते हैं। कल के दिन मैं एक सीरियल देख रहा था, शायद आप में से किसी को देखता हो तो, कहत हनुमान जय श्री राम, अभी नया स्टार्ट हुआ है, जिसमें हनुमान जी के बारे में बताया। अब उन्होंने जस्ट जा रहे थे, दो पुरोहित चल रहे थे, बहुत ज्ञानी पंडित थे, तो उन्होंने बोला भगवान एक ही है। बोले भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, भगवान दो है। बोले तो तुम बताओ दूसरा भगवान कौन है? उन्होंने बताया जिसने हमें पैदा किया, जिसके रोने से जो हमारे रोने से रोता है, हमारे हंसने से हंसता है, जिसे हमारी फिक्र है, कौन है वो? हमारी माँ। तो उन्होंने बोला मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, मैं मेरी माँ की ही पूजा कर लूं। पंडित जी ने लास्ट में बोला धन्य हो प्रभु, ये ज्ञान हमें देने के लिए, ये हमारे सामने दिखते हुए भी हमें नहीं दिख रहा था। हर जगह ज्ञान है, लेकिन हम लर्निंग लेने का नजरिया रखें तो। जब हमें ये चीज आ गई, मने बधु आवड़े छे, मेरे को सीखने की आदत, मेरे को सब पता है, तो वहां से हमारा माइंड है ना एनालिस्ट, विशेषज्ञ, वो कहते हैं ना अणिकार्ड। इस प्रोग्राम को दो तरीके से आप ले सकते हो। पहला, यार मजा आया, अच्छा हुआ, आज ये चीजें हमें सीखने को मिली। दूसरा, अरे यार चाय बढ़िया रही थी, बिस्किट थोड़ा और अच्छा होता तो मजा आ जाता है। तो दो तरीके से हम इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो एक माइंडसेट है ये एमबीए वाला, दूसरा है गल्ला छोड़ने का नहीं। मेरे दादाजी बैठते थे, फिर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया, अब मैं मेरे बच्चे को दूंगा। बट गल्ले पर तो अपना ही बंदा बैठेगा, राइट? ये माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि ये माइंडसेट से हमें कितना नुकसान होता है। ये माइंडसेट फिक्स वाला है, वर्किंग विदाउट टीम। आज हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत नहीं है, घर ना मानस हो ना चाली जैसे, घर ना सभ्य हो चाली जैसे। तो हम इस तरीके से प्लान करते हैं, हम लोगों को साथ लेकर काम नहीं करते। यहाँ पर स्किल्स, हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप नहीं करते। आज मैनेजमेंट की स्किल्स होना चाहिए, आज आपको बिजनेस का स्किल्स होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का स्किल्स होना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग का स्किल्स होना चाहिए, कंप्यूटर का स्किल्स होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, बट हम इसको डेवलप नहीं करते। क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी चीजें और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। समझना, आपका बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर गया तो आपको बहुत सारे लोग इन्वाइट करेंगे स्पीकिंग करने के लिए। सर बोलो आपने 100 करोड़ का धंधा कैसे किया? क्या आप वहां बोल सकते हैं मैंने तो हसी नहीं आया आपको? खबर नहीं पड़ी तो पहुंच गया नहीं, जरूरत पड़ेगी आपको, और ये आज से हमें करने की जरूरत है। लेकिन हम पता है क्यों नहीं करते? 100 करोड़ मेरी औकात है क्या 100 करोड़ पहुंचे? अरे हमने इधर ही माइंड बना दिया कि मैं 100 करोड़ नहीं पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचेंगे? तो यहां पर हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, यहां पर हमें मार्केट के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आज अब समझना, हम यूट्यूब पर क्या देखते हैं? चल छैया 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 छैया, राइट? मार्केट में इतनी सारी नॉलेज आती है, इतनी सारी चीज होती है। मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब पर जाकर आप एक चैनल को सब्सक्राइब करना, फिनोवेजन अपडेट, फिनोवेजन अपडेट। आपको रोज नया न्यूज मिलता है मार्केट में कितनी चीजें अपडेट हुई। आपको अगर रिलायंस, टाटा, क्रिप्को, TCS, अगर इनकी एनुअल मीटिंग या इनकी जो क्वार्टर मीटिंग है आपको अगर सुननी है ना, तो स्टॉक अड्डा करके है वेबसाइट, स्टॉक अड्डा करके है चैनल यूट्यूब का, स्टॉक अड्डा, आप जाकर सुनो क्या चीजें बताई जा रही है।
आपको अगर स्टार्टअप के बारे में जानना है तो आप डायल करो, आप उसके अंदर सब्सक्राइब करो स्टार्टअप ज्ञान। एक बच्चा है 20-22 साल का, स्टार्टअप ज्ञान करके देता है। आपको लीगल चाहिए तो लीगल के अंदर आप जाओ, लीगल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट एडवाइस करके है चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो। देखो कितनी चीजें मिलती है, हर चीज आपको मिल रही है, फ्री में मिल रही है, बट अपना माइंडसेट कैसा हो गया है? आज तो मने अत्यारे जरूरत नहीं, एग्जैक्ट हजी बात है। तो ये माइंडसेट लेकर बैठे हैं और यहां पर डेलीगेशन। अब समझना, आप लोगों ने जितने लोगों ने भी शेयर किया ना आपका शेड्यूल, मेरे को ऐसा लग रहा है आप दिन भर, बुरा मत मानना, बट ऑफिस में मक्खी मारते हो। क्यों? मैं आपको बता रहा, एक्चुअल में आपका इस लेवल का ये काम है ही नहीं, है ही नहीं ये काम। कितनी फैक्ट्री आपने विजिट की आपके जैसे सूरत के बाहर? हेलो, एक भी नहीं। क्या सूरत के बाहर धंधा है ही नहीं? नहीं। हम सूरत के बाहर निकले नहीं, हम सूरत वराछा में रहकर हमने बोल दिया मेरा तो वर्ल्ड क्लास का धंधा बन गया। क्या हमें पता है नौसारी में धंधा कैसे होता है? क्या हमें पता है मुंबई में कैसा धंधा होता है? क्या हमें पता है चेन्नई में धंधा कैसे होता है? हमें वहां की चीजें पता ही नहीं है और हम क्या सोच रहे हैं कि हमने जैसा बना लिया हमारे एरिया में हम किंग और झंडा लेके घूमते हैं। सर चिंता करना पड़ेगा। एक कंसल्टेंसी के क्लाइंट थे, चाय की लारी बना, चाय की लारी राजकोट में, कितने साल से? 80 साल से, चौथी पीढ़ी है उनकी। चाय की लारी से उनका बंगला बन गया, उनकी गाड़ी आ गई, वो ट्रिप करते हैं किससे? फ्लाइट से, राइट? और उनके बुलेट, मतलब सब कुछ कर लिया, बढ़िया। चाय की लारी ही रही। कितने साल से? 80 साल से। मैंने उनको बोला कुछ नहीं सर, एक काम करो, 3 कंपनी के नाम दिए, जाओ खाली विजिट करके आओ। दिल्ली में गए, कंपनी है चायोस, शायद नाम किसी ने सुना होगा। चायोस के अंदर गए, 6 घंटे बैठे, 11 चाय पी, और वहां से मुझे फोन करते हैं सर मेरे को मेरे चाय की कीमत बढ़ानी है, अभी 10 रुपए है, मुझे चाय की कीमत बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चाय की कीमत 150 रुपए है। मैंने बोला सर जल्दी नहीं, आराम से पहले समझ लो। 52 आउटलेट कितने साल में? 4 साल में। 52 आउटलेट चाय की खाली 4 साल में। टर्नओवर कितना? 150 करोड़ साल का टर्नओवर, 150 करोड़ किसमें से? चाय में से। वहीं पर मैंने बोला सर आप बाकी सबको छोड़ो, आपके उधर टी पोस्ट 150 आउटलेट, 150 आउटलेट उनके साथ में उन्होंने धंधे, उनसे बाद में धंधा शुरुआत किया था। माइंड से नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा हो क्या गया, अभी हमारी सिचुएशन कैसी हो जाती है। अब धंधा ठीक है चल रहा है, सेल्स वाले सेल्स कर रहे हैं, अकाउंट वाला अकाउंट कर रहा है, परचेजिंग वाला परचेजिंग कर रहा है, अपने जाकर क्या करते पता है? वॉचमैन गिरी, सब आए कि नहीं है? ए तू बाथरूम क्यों गया था इतनी बार? हम ये करते हैं वॉचमैन, जबकि हमारा काम क्या होना चाहिए? डेवलपिंग। और डेवलपिंग होगा कैसे? अंदर बैठ के होगा, बाहर जा रहा है। हम बाहर कितनी बार जाते हैं सोचने के लिए? आपके ही ज्वेलर्स में से किसी ने मुझे बताया सर जिस टाइम पे मंदी चल रही थी ना, बोले मैंने हैदराबाद गया था, हैदराबाद में एक ज्वेलरी है 4 फ्लोर 11 काउंटर, चारों के चारों लाइन में लगे थे, चारों के चारों लाइन में लगे थे कस्टमर वहां पे बिल बनाने के लिए। बोला ऐसा क्यों? बोले ये पता नहीं। मैं बोला यही चीज आपको पहले पता होती तो शायद वो चीज आपके वहां पर भी होती, बट नहीं पता। आपकी ज्वेलरी में राजेश एक्सपोर्ट इंटरव्यू देख रहा था, बोलते हैं सर 100 आउटलेट डाल दिए हैं, 3000 और डालने वाला। कितने? 3000। 2500 इधर डालूंगा इंडिया में और 2500 में इंडिया के, 500 में इंडिया के बाहर डालूंगा। टर्नओवर कितना? 2 लाख करोड़ का। कल्याण ज्वेलर्स 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके दूसरे 30 से 40 आउटलेट डाल रहे हैं
और वहीं पर ज्वेलरी वाले क्या बोले, हमें मार्केट तो पति क्यों ऐसा, एक ही बिजनेस में कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। द माइंडसेट प्रॉब्लम, माइंडसेट। और हम बिजनेस चलाने ना एक्चुअल में देखने आए, तो बिजनेस में हम वॉचमैन वाला काम कर रहे हैं और उसको हम सोच रहे हैं कि हम बिजनेस चला रहे हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, रेडी फॉर लर्निंग, लर्न करने के लिए। मैं आपको 100% मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, 4 शोरूम विजिट करो आपकी इंडस्ट्री का, अगर आपको खुद को 10 पॉइंट ना मिल जाए ना आपके शोरूम के अंदर कहां कहां दिक्कत है आप मुझे बता, बट पहले विजिट करो फिर, खाली 4 शोरूम विजिट कर लो सर, आपको खुद को यह रियलाइज ना हो जाए ना मेरे से गलती कहां हो रही है फिर आप मुझे बता। क्योंकि जनरली हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि भाई सब लोग थोड़ी ऐसे कर रहे होंगे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग करने के लिए। दूसरा, आज का सिचुएशन गल्ले वाला नहीं है, आज गल्ले पे आपको लोग बिठाने की जरूरत है और लोग आपको मिल जाएंगे, बट हमें उसके लिए सिस्टम बनाने की रिक्वायरमेंट है। स्किल्ड टीम लोगों की जरूरत है, आज अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट है और अच्छे लोग मिल रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज हम अच्छा किसको मानते हैं बताएं, हम अच्छा किसको मानते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। 8,000 में आना चाहिए, 16 घंटे काम करना चाहिए, सैलरी बढ़ाने के लिए कभी बात नहीं करना चाहिए, कभी छुट्टी नहीं मांगना चाहिए, कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, लंच के लिए ब्रेक भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा बंदा मेरे को चाहिए तो मेरे लिए चलेगा, राइट? हम ऐसे बंदे ढूंढ रहे हैं, समझना, मूंगफली फेंकेंगे ना तो बंदर ही आएंगे, शेर लाने हैं ना तो मांस फेंकना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके हमें स्किल्ड लोग आएंगे, एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर फील्ड। आज के टाइम पे हर फील्ड के अंदर हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आज अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपर्टी लेवल हासिल नहीं कर रहे हैं तो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ करना बहुत टफ है। और एक्सपर्ट मतलब किस में, हम एक्सपर्ट एक ही चीज में है, पता है क्या, बातें करने में तो है ही, उसके अलावा हमने जब बिजनेस की शुरुआत की थी ना तो जिस चीज की प्रोडक्ट की शुरुआत थी वो बनाने में मैं एक्सपर्ट, उसके अलावा मेरी एक्सपर्टी किसी चीज में डेवलप हुई ही नहीं। तो एक्चुअली आप बिजनेसमैन नहीं हुए, आप हुए सेल्फ एम्प्लॉय, समझना। बिजनेसमैन का मतलब होता है एक बार मैंने प्रोडक्ट बनाई, अब मैं उसको बनाना सिखा कर मैं अब बिजनेस को बड़ा करने वाली चीज सीख रहा हूं। और बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, फाइनेंस आना चाहिए, कैसे लोगों से रिलेशन, ये आनी चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर अभी तक काम नहीं कर पाए। तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मार्केट का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, लेटेस्ट मार्केट का नॉलेज। आज आप, मैंने आपको बताया फिनोविजन अपडेट, वहां पर आप जाएंगे तो अभी आप देखेंगे तो एक एक कंपनियां 10,000 करोड़ की फंडिंग ले रही हैं अदर कंपनी से, 10,000 करोड़ की फंडिंग उनको मिल रही है। तो हमें नॉलेज होना चाहिए, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोफेशनलिज्म। अब हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनने का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े मैंने डाल दिए मैं प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल बनने का मतलब है मेरे काम करने के तरीके प्रोफेशनल होने चाहिए। कैसा? सबसे पहला, मुझे बिजनेस आज के ट्रेंड के हिसाब से करना पड़ेगा, मेरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आज की प्रोफेशनलिज्म, मेरी कम्युनिकेशन वैसी होनी चाहिए, मेरी आज के टाइम पे मेरा कमिटमेंट होना चाहिए, आज के टाइम पे मेरा अपडेशन होना चाहिए, ये चीजें हैं प्रोफेशनलिज्म। तो जब हम ये प्रोफेशनलिज्म लेकर आते हैं तो हमारा ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है, और जब हमारा माइंड ग्रोथ वाला होता है तो 110% आपको ग्रोथ मिलता ही है। बट फिक्स माइंडसेट रख के हम ये सोचे हमारा बिजनेस डेवलप होगा तो हमारे लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा विचार है, मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है, राइट? और हम अभी क्या सोच रहे हैं,
दुनिया बदले, पहले दुनिया बदले, बाद में मैं देखूंगा। राइट, हर जगह पर ये चीज चल रही है।